अगला सवाल हम शामिल करते हैं, पुनीता ने हमसे बैंगलोर से पूछा है, इन्होंने एसएमएस के जरिए ये सवाल पूछा है। इनका सवाल है, इनके पास दो घर हैं फिलहाल बलवंत जी, और ये एक घर खुद इनका सेल्फ ऑक्यूपाइड है और ये दूसरा घर इन्होंने रेंट आउट कर रखा है। इन्होंने फिलहाल होम लोन भी लिया हुआ है जिसका इंटरेस्ट पे इनको 1.5 लाख की टैक्स छूट मिलती है। तो फिलहाल ये जानना चाहते हैं कि इनको अगर ये दूसरा घर भी रेंट आउट करते हैं तो क्या उससे ये ज्यादा टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए चारू, ऐसा है कि मेरे पास फिगर नहीं है कि उनका एक्चुअल इंटरेस्ट का पेमेंट कितना है, तो जो होम लोन पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट है उसका डिडक्शन इनकम टैक्स में 24B में मिलता है, पर वो डिपेंड करता है कि आप उस घर में रहते हैं या अपने किराए पे दे के रखा हुआ। अगर आप उस घर में रहते हैं तो आपने जो 1.5 लाख है उसकी अपर लिमिट है, 1.5 लाख तक आप क्लेम कर सकते हैं, परंतु अगर आपने वो घर किराए पर दे के रखा हुआ है तो जितना भी आप इंटरेस्ट का भुगतान कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा। अभी जैसे ये घर जिसमें रह रही है पुनीता, अगर इसका इंटरेस्ट का पेमेंट अगर 1.5 लाख से ज्यादा आता है और ये सोच रही है कि ये इसको किराए पे दे दे, तो जितना इंटरेस्ट का भुगतान कर रही है वो पूरा का पूरा उनको 24B में डिडक्शन मिल जाएगा उनकी रेंटल इनकम के सामने। जी बलवंत जी, और दर्शकों के लिए हम ये भी जानना चाहते हैं कि जिसके पास दो घर हैं तो सेकंड होम, जैसे फर्स्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेकंड होम ये अपने आप ही अज्यूम कर लिया जाता है कि वो रेंट आउट प्रॉपर्टी कहलाई जाती है। चारू, ऐसा है कि अगर आपके पास दो घर है और दोनों में आप रहते हैं, आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव वगैरह हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट आपको ऑप्शन देता है कि आप दो घर में से कोई भी एक घर है ना वो एक्सरसाइज कर लीजिए कि ये मेरे लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली डीम टू हैव बीन लेट आउट हो जाती है और उसमें जो मार्केट रेट के हिसाब से जो रेंट है वो आपको, हालांकि आपको उस पर किराया बिल्कुल नहीं मिला है, परंतु वो आपको इनकम टैक्स पर नोशनल जो रेंट है, जो मार्केट रेट है, वो उस पर आपको टैक्स ऑफर करना पड़ेगा और उसी हिसाब से बाकी प्रोविजन भी लगेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उस घर के लिए तो उस पर 1.5 लाख की जो सीलिंग है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट का क्लेम कर सकती है और जो रेंटल इनकम है उसमें से आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ये मैं बताना चाहूंगा कि रेंट आपको एक्चुअली नहीं मिला है, फिर भी आपको वो जो मार्केट रेट है वो रेंट का वो आपको ऑफर करना पड़ेगा टैक्सेशन के लिए। जी बिल्कुल, चलिए अगला सवाल हम शामिल करते हैं।